हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त, और बाजार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आता हूं मार्केट आवर्स के बाद। आज भी नया वीडियो लेके आया हूं, तो इसमें मैं डिस्कस करता हूं नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि कल के लिए तीन कॉल्स को लेके आता हूं कि नेक्स्ट डे आप उस कॉल में ट्रेड कर पाएंगे इंट्राडे विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स बताते हुए जाता हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, ना कि मैं कोई एडवाइज़र हूं, मैं एक सेल्फ ट्रेडर हूं। मैं यहां पर हेल्पिंग पर्पस आप लोगों को ये वीडियो शेयर करता हूं। सो दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मेरा कोई टिप्स कॉल्स का बिजनेस नहीं है, मैं इसके लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, एक हेल्पिंग पर्पस, ये सारे चीज़ मैं करता हूं, ठीक है। और मेरा जो ट्रेनिंग सेशन है दोस्तों, वो कल से, यानी कि 20th अक्टूबर कल से वो शुरू होने को जा रहा है। वहाँ पर मैं 10 डेज़ का लाइव सेशन लूँगा, और उसमें इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है एक दिन पहले, और कैसे उसके ऊपर ट्रेड करना है, सारे चीज़ें एक स्ट्रैटेजी मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। और उसके साथ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सारे चीज़ें रहता है, चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सारे चीज़ें वहाँ पर मैं सिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको लगे कि सीखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंट्राडे में कमाने के लिए अगर आपको लगे कि सीखना ज़रूरी है, तो आप वो ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो वही आज का ही, वो आज ही उसका लास्ट डेट है, ठीक है, क्योंकि वो कल से शुरू होने को जा रहा है। फीस जो है दोस्तों, कम से कम का है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, अपने सीट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। और एक चीज़, मेरा जो व्हाट्सअप टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और कमेंट सेक्शन में भी वो भी डाल दिया है, आप चाहे तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले दोस्तों, लास्ट डे यानी कि फ्राइडे में मैंने जो वीडियो डाला था, उसको आप एक बार देख सकते हैं। उसका यहाँ पर आपका मेरा वीडियो के अंदर आपको वो मिल जाएगा, इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो 19th अक्टूबर मंडे के लिए जो मैंने दिया था, वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसका जो कॉल मैंने दिया था, उसको रिव्यू हम लोग कर लेंगे, तो उसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा अगर आपने पहले नहीं देखा तो, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो थोड़ा साउंड यहाँ पर डिस्टर्ब होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, कुछ दिनों का चलने वाला है, तो तब तक के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ये तो मेरे हाथ पर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ और पहले देख लेता हूँ जो कॉल मैंने लास्ट डे में दिया था, उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा। फर्स्ट कॉल जो मैंने दिया था, वो था बजाज फिनांस में एक सेल कॉल, ठीक है। तो बजाज फिनांस में मॉर्निंग में वो सेल कॉल, यहाँ पर तो यह आज का चार्ट है, तो यहाँ पर ये शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार नीचे आ गया था, और 3197 का ये लो बना के हुआ चला, तो इसमें भी ह्यूज प्रॉफिट देखे गया। तो उसके बाद ऊपर गया था, अगेन यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था और फिर से नीचे आया, और इसका जो आज प्रॉफिट दिया दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में शेयर किया, थैंक यू फॉर दैट, आप लोगों ने प्रॉफिट आया तो अच्छा लगा मुझे। तो ये था दोस्तों फर्स्ट कॉल बजाज फिनांस में, जो सेल कॉल मैंने दिया था। सेकंड कॉल जो मैंने दिया था, टेक महिंद्रा में बाय कॉल दिया था, उस पर भी मॉर्निंग में वो बाय एक्टिवेशन होने के बाद ह्यूज वहाँ पर 3836.5 का हाई दिया। इसमें भी लगभग आपका 15 पॉइंट का प्रॉफिट देके गया है, 15 पॉइंट, इसमें मतलब अराउंड 2% के यहाँ पर प्रॉफिट देके इंट्राडे के लिए, जो अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है 2% इंट्राडे के लिए, तो ये प्रॉफिट देके गया है, ठीक है। और थर्ड कॉल जो मैंने दिया था, वो था रिलायंस में, मैंने बोला था 2160 के नीचे अगर सस्टेन करे तो ही सेल करना, तो वो नहीं हुआ एक्टिवेट एनीवे। तो दो कॉल जो हुआ है उसमें हम लोग किया है, तो प्रॉफिट वहाँ पर मिला है, थर्ड कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ था, ठीक है। और अब देख लेंगे कि कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या होगा, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो निफ्टी में आज जो रहा, फिर से गैप अप ओपन हुआ था, और इसमें आज का जो हाई था 11,897 का, ठीक है, और इसका जो लो था 11,820 का, और इसका क्लोजिंग जो आया है वो 11,877 का। तो फिर से ये 11,800 के ऊपर जाके अच्छा सा सस्टेन हुआ, पूरा दिन रहा और उसके ऊपर ही इसका क्लोजिंग आया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर कल यहाँ पर फिर से गैप अप ओपन हो जाए, तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, उसका रहेगा आपका 11,988 के आसपास। तो कल भी हो सकता है ऊपर की तरफ ये जाए, ठीक है। तो निफ्टी का ये व्यू है, और वीकली व्यू मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, चाहे तो आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में आज का जो हुआ है, एकदम अच्छा अपसाइड मूवमेंट रहा है। बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपका आज का लो था 23,758, आज का हाई था 24,322 का, और इसका जो क्लोजिंग है 24,227 का। तो मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप टेलीग्राम, वहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन बाय के लिए बोला था 24,500 में, उसमें आज टारगेट हिट हो गया,
जो लोग मेरा ग्रुप में है पता है, वहाँ पर मैंने शेयर कर दिया है उसको, ठीक है। जो लोग नए हैं यहाँ पर आपको पता नहीं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और टेली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप जो है वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। तो फास्ट कॉल जो है वो देख लेते हैं कल के लिए क्या कर सकते हैं। तो फास्ट कॉल कल के लिए जो है हिंदुस्तान लीवर में, हिंदुस्तान लीवर में आज अच्छा एक अच्छा सा पैटर्न रहा। यहाँ पर पूरा दिन एक बुलिश ट्रेंड रहा है इसका। आज का जो लो था 2152.1 का, इसका हाई था 2185 का, और इसका जो क्लोजिंग आया हाई के आसपास 2184 का, ठीक है। तो कल अगर निफ्टी पॉजिटिव ओपन हो, और इसका जो सेक्टर है सुन लीजिए बात को, हिंदुस्तान लेवेंटर लीवर का जो सेक्टर है निफ्टी एफएमजीसी, अगर वो भी गैप ऊपर ओपन होता है तो ही हम लोग इस पर बाई कॉल को अटेंड करेंगे। तो कॉल क्या है वो देख लेते हैं, वो दोनों चीज़ को सपोर्ट करना होगा तभी जाके करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो कॉल क्या है, हिंदुस्तान लीवर हल जो है बाय करना है नियर 2174, स्टॉप लॉस होगा 2144, टारगेट होगा 2229। हिंदुस्तान लीवर बाय नियर 2174, स्टॉप लॉस होगा 2144, टारगेट होगा 2229, ठीक है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल में जाऊंगा, उसके पहले वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो थोड़ा एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइए, क्योंकि उसमें मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, उसमें मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में जाऊंगा। सेकंड कॉल जो है हम लोगों को कल के लिए वो है सिप्ला में, ठीक है। तो सिप्ला में आज क्या हुआ, एक एकदम डाउन ट्रेंड रहा है सिप्ला में। इसका जो आज का हाई था वो 784 का था, और इसका लो था 762.15 का, इसका जो क्लोजिंग आया 764.45 का। तो यहाँ पर देखिए एक चैनल है, उस चैनल के सपोर्ट के आसपास सिप्ला है। तो कल अगर निफ्टी भी पॉजिटिव ओपन होता है, और इसका जो सेक्टर है सिप्ला का निफ्टी फार्मा, अगर वो पॉजिटिव ओपन होता है तो हम लोग इस पर भी बाय करके चलेंगे, ठीक है। तो कॉल क्या है देख लेते हैं, सिप्ला बाय नियर 760, स्टॉप लॉस 746, टारगेट 800, ठीक है। तो सिप्ला में जो कॉल है फिर से एक बार बोल देता हूँ कि इसका जो सेक्टर है निफ्टी फार्मा को पॉजिटिव ओपन होना है तभी जाके इसको हम लोग करेंगे। सिप्ला बाय नियर 760, स्टॉप लॉस 746, टारगेट 800, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, अगर आपको चाहे कि आपको लगे कि सीखना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हर एक प्रोफेशन में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सीखना मैंडेटरी है, नहीं सीखेंगे तो नहीं होगा, पूरा जीवन कॉल टिप लेके आपका नहीं चलेगा। तो सीख लीजिए दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग का सारे चीज़ें। 10 दिन का ट्रेनिंग कोर्स मैं खुद लेता हूँ, 10 डेज का, वहाँ पर मैं सारे चीज़ें सिखाता हूँ, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे उसके ऊपर ट्रेड करना है, एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ, और उसके साथ ऑप्शन ट्रेड, स्विंग ट्रेड और टेक्निकल एनालिसिस का सारे चीज़ें, चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, टेक्निकल इंडिकेटर, सारे चीज़ें वहाँ पर मैं सिखाता हूँ, वेब्स सारे चीज़ें मैं वहाँ पर सिखाता हूँ। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, कल से ही उसका नेक्स्ट बैच चालू होने को जा रहा है। फीस जो है दोस्तों कम से कम का है, एक ट्रेड में आपका निकल आएगा, और उसका जो एक डेमो वीडियो वो भी मैंने यूट्यूब में डाल दिया है, इस वीडियो का आई बटन में वो है, एंड स्क्रीन में भी है, और आप कमेंट सेक्शन में फास्ट कमेंट देखिए, पिन करके रखा हुआ है एक फ्री डेमो क्लास बोल के, उसको आप पहला क्लास है उसका, उसको आप देख सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो आपने सीट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये था दोस्तों सेकेंड कॉल हम लोगों का कल के लिए। थर्ड कॉल में जाऊँगा, उसके पहले और एक बात दोस्तों, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, तो उस पर आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव कॉल भी शेयर करता हूँ, और सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले वहाँ पर निफ्टी और निफ्टी का जो लेवल्स कैसे ओपन होने जाना है, कैसे हो सकता है, उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो रहता है वो वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। तो वो ग्रुप का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, उसका लिए कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। और एक बात दोस्तों, आप लोगों को फिर बार बार मैं बताता हूँ कि दोस्तों मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं जो यहाँ पर करता हूँ हेल्पिंग पर्पज़, तो कॉल जो होगा यहाँ पर आप देखिएगा, और नहीं तो वो व्हाट्सअप में मैं जो ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ बैंक निफ्टी ऑप्शन का वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे मैसेज करके कॉल करके ये सब मत पूछिएगा, क्योंकि मैं बिज़ी रहता हूँ, सारे चीज़ें मैं वहाँ पर आप लोगों को हेल्प नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि फ़ोन करके मैसेज करके कॉल के लिए मत पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। और अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आप
ऑलवेज वेलकम। आपका आपके लिए जो ट्रेनिंग सेशन में लेता हूँ वहाँ पर आप बुक करके आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों थर्ड कॉल में मैं जाऊँगा, थर्ड कॉल जो है हम लोगों का वो है टाटा स्टील में, ठीक है। तो टाटा स्टील में क्या हुआ आज देख सकते हैं, यहाँ पर टाटा स्टील्स का आज का हाई था 399.95 का और इसका जो लो था दोस्तों 391.8 का, इसका क्लोजिंग जो आया है बीच में 395.5 का। तो यहाँ पर देखिए एक चैनल यहाँ पर बना हुआ है टाटा स्टील का और ये जो है ये एकदम रेजिस्टेंस के आसपास है, तो हो सकता है कल ये नीचे जाए। तो वो कैसे करेंगे वो सुन लीजिए पहले। अगर टाटा स्टील का जो सेक्टर है निफ्टी मेटल वो अगर नेगेटिव ओपन होता है तो ही इस पर हम लोग सेल करके शॉर्ट सेल करके चलेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, बाकी दो कॉल है उस पर करेंगे। ये थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि अगर ये नेगेटिव भी होता है तो ही हम लोग इस पर करेंगे, ठीक है। तो टाटा स्टील को अगर इसका जो सेक्टर निफ्टी मेटल अगर नेगेटिव ओपन होता है और तो ही और निफ्टी अगर फिर भी नेगेटिव होता है तो ही हम लोग इस पर ट्रेड करेंगे सेलिंग के लिए, ठीक है। तो टाटा स्टील का जो कॉल है सुन लीजिए, टाटा स्टील सेल नियर 397, स्टॉप लॉस 409, टारगेट 381। टाटा स्टील सेल नियर 397, स्टॉप लॉस 409 और टारगेट 381, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का तीन कॉल जो हम लोग कल के लिए इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, मैं हर रोज़ टाइमली वीडियो डालता हूँ, इस टाइम पे ही रोज़ वीडियो डालता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन डेली बेसिस मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, मार्केट आवर्स के बाद ये कॉल कैसे परफॉर्म किया वो देख लेंगे और नए कॉल परसों के लिए दे के जाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।